कंझावला हादसे में हुई अंजलि के मौत के मामले की गुत्थी सुलझने की जगह और ज्यादा उलझती जा रही है। जी हां, दिल्ली में नए साल के मौके पर कंझावला कांड की शिकार बनी मृतक अंजलि के घर करण विहार में चोरी होने की सूचना मिली है। बताया गया है कि उसके घर का ताला तोड़कर एलसीडी की चोरी हुई है। अंजलि की मां ने जहां साजिश की आशंका जताई है, तो वहीं अंजलि की बहन को निधि और बाकी आरोपियों पर शक है। उनका कहना है कि वो पकड़े जाने के डर से अपना सामान हमारे घर में रखवाना चाह रही है। वहीं अब पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस 8 दिन से हर जगह थी, लेकिन कल ही पुलिस वहां मौजूद क्यों नहीं थी। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार रात करण विहार स्थित घर में चोरी को अंजाम दिया गया। यहीं पर अंजलि रहती थी। रात को घर में कोई भी नहीं था। एक पड़ोसी ने तड़के घर के बाहर देखा कि घर का बल्ब बंद है और गेट खुला हुआ है, तो जल्द ही अंजलि के परिवार को सूचना दी और अंजलि के परिवार ने फिर पुलिस को भी बुलाया। अंजलि की बहन ने बताया कि घर में टीवी के अलावा बर्तन और कपड़े भी गायब है। वहीं अंजलि की माँ का कहना है कि हो सकता है कि अंजलि के घर में कुछ ऐसा सामान रखने की कोशिश की गई हो जिससे उनकी बेटी पर सवाल उठाए जा सके। और फिर जब परिवार वालों से पूछा गया कि क्या उन्हें किसी पर शक है, तो उनका कहना है कि ये निधि की साजिश हो सकती है और उसने पुलिस के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात सुल्तानपुरी और कंझावला के बीच अंजलि को कार से घसीटकर मार दिया गया। स्कूटी से टक्कर के बाद अंजलि को लगभग 12 किलोमीटर तक रोड पर घसीट कर ले जाया गया और उसी दौरान अंजलि की मौत हो गई। इस हादसे के दौरान स्कूटी पर सवार अंजलि के साथ उसकी दोस्त निधि भी थी, जो मामूली रूप से घायल होने के बाद भी घर चली गई थी और इस हादसे के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। वहीं पुलिस ने निधि को इस हादसे का गवाह बनाया, जबकि अंजलि के परिवार वालों ने निधि पर कई गंभीर आरोप लगाए और इस हादसे में एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। वहीं अब इस हादसे में एक और नया मामला सामने आ गया है कि अंजलि के घर में चोरी हो गई, जिसे एक साजिश के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल आगे की जांच अभी जारी है।